मूवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा दिलजीत दोसांझ के न्यू सॉन्ग जो रिलीज हुआ है उसके बारे में, साथ साथ गिप्पी गरेवाल की न्यू मूवी ढाका के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दोनों स्टार्स के बारे में अपडेट बताने वाला हूँ। पहली अपडेट है दिलजीत दोसांझ का न्यू सॉन्ग मुझ रिलीज़ हो चुका है। मैंने आपको पहले भी अपडेट दी थी कि दिलजीत दोसांझ का न्यू सॉन्ग वो रिलीज़ होने वाला है और आज वो रिलीज़ हो चुका है। कुछ ही टाइम पहले रिलीज़ हुआ, अभी 2 से 3 घंटे हुए सॉन्ग को रिलीज़ हुए हुए अभी 2 से 3 घंटे हुए सॉन्ग को रिलीज़ हुए। अगर आपने अभी तक सॉन्ग नहीं देखा तो सॉन्ग देख ले। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ सॉन्ग के बारे में। सॉन्ग एक प्रॉपर भंगड़ा सॉन्ग है। आपको पंजाबी सॉन्ग काफ़ी दिनों से सुनने को मिल रहे थे, लेकिन कोई भी एक ऐसा दमदार भंगड़े वाला सॉन्ग नहीं था जिसको सुन के एक मज़ा आ जाए। डांस करने वाला सॉन्ग ऐसा कोई भी नहीं था। दिलजीत दोसांझ ने सबकी इच्छा पूरी कर दी, भंगड़े वाला सॉन्ग रिलीज़ कर दिया गया है जिसका नाम है मुझ, और सॉन्ग तबाही है। मैं आपको बता दूँ, इसमें जो फीमेल मॉडल है वो फॉरेन की मॉडल है और दिलजीत दोसांझ मुछों पे सॉन्ग ये बनाया है दिलजीत दोसांझ ने। भंगड़े वाला सॉन्ग है, डांस वाला सॉन्ग है। और इस सॉन्ग में जो म्यूज़िक दिया है वो दी बॉस ने म्यूज़िक दिया है और लिरिक्स लिखे हैं कप्तान ने। मैं आपको बता दूँ, इस सॉन्ग को आपको जो सॉन्ग है सुनने को कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा सागा हिट्स म्यूज़िक चैनल। उस पर आपको ये सॉन्ग बिल्कुल प्रॉपर सुनने को मिलेगा, पूरा सॉन्ग है वहाँ पर। ऑफिशियल चैनल पर जाइएगा, फेक अकाउंट पर मत जाइएगा, सागा हिट्स के ऑफिशियल चैनल पर आपको ये सॉन्ग मिलेगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको ये सॉन्ग पसंद आएगा। धमाकेदार बीट्स सॉन्ग की है। नेक्स्ट अपडेट है गिप्पी गरेवाल सर की मूवी ढाका से। गिप्पी गरेवाल की मूवी ढाका जो नेक्स्ट रिलीज़ होने वाली है उसकी लेटेस्ट पिक रिलीज़ होती जा रही है और आज एक और पिक जो है रिवील की है, देख सकते हैं आप गिप्पी गरेवाल। तो यहाँ पे जितना अभी तक पता चल रहा है कि इस मूवी की जो शूटिंग चल रही है वो गाँव में चल रही है और गाँव में भी इस मूवी की स्टोरी काफ़ी बेस्ड होने वाली है। ज़्यादातर स्टोरी जो है गाँव में बेस्ड होने वाली है। शिंदे और बाली फ्रॉम ढाका। तो ढाका मूवी की जितनी भी अपडेट आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसा मैंने आपको पहला बताया कि टी सीरीज इस मूवी के साथ जुड़ी है, तो ये मूवी धमाकेदार ग्रैंड वे में रिलीज होने वाली है, क्योंकि भूषण कुमार टी सीरीज़ के कर्ता धर्ता जो है वो इस मूवी के साथ जुड़े हैं। साथ साथ गिप्पी गरेवाल तो आपको दिखाई देंगे ही देंगे और आपको राणा रणबीर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ जितनी भी न्यूज़ अपडेट आती जाएगी, लेटेस्ट पिक आती जाएगी, वो मैं आपको सारी की सारी न्यूज़ बताते जाऊँगा। और जितना आप ये भी देख सकते हैं, ये भी गिप्पी गरेवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे थोड़े टाइम पहले ये पिक भी रिवील की थी और बिल्कुल गांव का लुक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं चाय पीते हुए लुक, देखिए उफ, देख सकते हैं आप बालियाँ डाल रखी है कान में। तो धमाकेदार जितनी भी अपडेट आएगी, धमाकेदार अपडेट मैं आपको सभी इस चैनल पर बताऊँगा। लेकिन अभी की लेटेस्ट न्यूज़ ये थी कि ढाका मूवी से एक और अपडेट आई है, शूटिंग इसकी इंडिया में चल रही है, गांव में शूटिंग चल रही है। दूसरी अपडेट है दिलजीत दोसांझ की न्यू सॉन्ग मुझ, जो उनका न्यू सॉन्ग रिलीज़ हुआ है उसके बारे में। तो दोनों अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ढाका मूवी की अपडेट आपको नहीं बता पाया था। तो मैंने आपको दोनों अपडेट बताई, लेकिन अगर आपने अभी तक दिलजीत दोसांझ का सॉन्ग मुझ नहीं देखा है तो उसे अभी जाके देख लें। ये सॉन्ग कुछ ही देर बाद ट्रेंडिंग पे आने वाला है। आपको कैसा लगा आज की वीडियो जानकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।